वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ललिता। आज हम बनाएंगे मखाने का खीर जो रथ में बनता है। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर जाएगा एक चम्मच घी। घी को गर्म होने दीजिए। और अब इसके अंदर हम मखाना डाल दिया है, इनको अच्छे से भून लीजिए। एक मिनट तक ऐसे ही भून लीजिए। धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर भून लीजिए। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमें इसको निकाल देना है बाहर। इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध को अच्छे से उबाल देना है। इसके अंदर केसर ऐड कर दीजिए, मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया केसर को, ताकि अच्छे से रंग आए। ऐसे ही चलाते रहना चाहिए क्योंकि नीचे से दूध जल सकता है। अब हम इसके अंदर जो मखाने मैंने लिया था ना सेक के, उसका मैंने दरदरा पाउडर कर दिया है और 3/4 मखाने ऐसे ही बाजू में छोड़ दिया है। अब जो मैंने छोड़ दिया है बाजू में, उसको भी ऐड कर देंगे। देखिए ऐड हो गई है ना, हम अच्छे से चलाएंगे। देखिए गाढ़ा हो रहा है ना दूध। अब इलायची पाउडर डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच। बादाम काट के डाल दीजिए, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिनको भी व्रत के लिए मीठा खाना है तो ये बहुत अच्छे से, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी होता है, तो इस खीर को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ऐसे बीच बीच में चलाते रहना चाहिए क्योंकि नीचे से दूध जल ना जाए। देखिए खीर ऑलमोस्ट डन है। देखिए कितना अच्छा रंग भी आ गया। अब हमें इसके अंदर शुगर ऐड करना है। मैंने आधा कप शुगर लिया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारा गर्मा गर्म खीर रेडी हो गया है और कितना अच्छा खुशबू भी आ रहा है। देखिए कितना गाढ़ा भी बन गया है। गैस ऑफ कर दीजिए और इसको एक बॉल में सर्व करने के लिए एक बॉल में ले लीजिए। यम्मी यम्मी खीर बन के रेडी हो गया है। देखिए गार्निश कर दीजिए पिस्ता और बादाम के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।